स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो साइंस थर्सडे में हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन फ्यूल सेल के बारे में, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन फ्यूल सेल को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फ्यूल सेल क्या होता है। तो आप बस ये ऐसा समझिए कि हर चीज़ में अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप घर में जो जनरेटर रखते हैं या कोई शॉपिंग मॉल में देखते हैं, उसमें तेल डाला जाता है, तेल चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे किरोसिन हो, है वो केमिकल एनर्जी। अब उस केमिकल एनर्जी को आप मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं, जनरेटर से जो मतलब इंजन की तरह चल रहा है, फिर उस मैकेनिकल एनर्जी को आप दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं जिसको आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रोसेस है केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। तो फ्यूल सेल क्या करता है, वो बीच का स्टेप हटा देता है कि सीधे फ्यूल लेता है, सीधे हवा से ऑक्सीजन लेता है और सीधे आपको बिजली दे देता है, उसमें कोई तिगड़म नहीं है। तो इसको आप ये समझिए कि फ्यूल सेल जो है, अगर आप उसका डिज़ाइन देखिएगा तो बैटरी जैसा ही लगेगा, क्योंकि उसमें देखिए एनोड और कैथोड होता है, फिर इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब डिज़ाइन वाइज वो एकदम सेम ही है बैटरी जैसा। लेकिन ये बात पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि वो सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ है उसमें आप तेल डाल दिए और चलने लगा, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए होता है। तो मतलब ये समझिए कि ये ऑक्सीडाइज कर रहा है फ्यूल को, तो इसलिए इसको हर हालत में एयर इंटेक और फ्यूल इंटेक दोनों चाहिए होता है। तो मतलब आप ईंधन डाल रहे हैं और आप ऑक्सीजन डाल रहे हैं, तभी जाके ये काम करेगा। है एक तौर का ये इंजन ही, बस वो मैकेनिकली ना कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रोकेमिकल का इस्तेमाल करके वो आपको डायरेक्ट बिजली दे रहा है, मतलब कुछ घुमा फिरा नहीं रहा है, बस फ्यूल जो इधर उधर घूम रहा है, एयर कंप्रेसर जो लगा हुआ वो सब का बात हटा के, मतलब यहाँ कोई धमाका नहीं हो रहा, जैसे आपके इंजन होता है ब्रिम 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 जो भट 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 के आवाज़ आता है, तो यहाँ कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बस सीधे जा रहा है ऑक्सीजन, सीधे जा रहा है फ्यूल और उसको इलेक्ट्रिसिटी में बदल दिया जा रहा है। और इसका इफ़िशेंसी मतलब कितना केमिकल एनर्जी से आपको कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलता है, वो लगभग 40 से 60% तक निकल जाता है। और आपको ये 40 से 60% कैसा लगेगा, तो इसको ये समझिए कि जो आपका जनरेटर है डीजल जनरेटर, वो 12 से 20% तक दे सकता है, बहुत बहुत अच्छा हुआ तो 30 दे पाएगा। तो ये स्टार्ट ही होता है उसका डबल से, तो समझ लीजिए ऐसा नहीं, मतलब सुनने में भले ख़राब लगे कि 40 से 60% है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा होता है। प्लस इसके साथ जो वो गर्मी देता है उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये कोई ऐसी नई टेक्निक नहीं है कि हम मैजिक का बात कर रहे हैं, ये समझिए 1836 में पहली बार बनाया गया था, तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है और इसका नासा भरपुष्ट इस्तेमाल किया है अपने स्पेस प्रोग्राम में। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जिसको कभी यूज़ नहीं किया गया, कभी कुछ किया नहीं गया। लोग स्कूल में बनाते हैं इस तरह के, आपको स्पेस प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाता है, कार मिलेंगे जो आप फ्यूल सेल पे चलते हैं। तो ठीक है, ये हुआ सेल का एस्पेक्ट। अब हम लोग फ्यूल पे बात करते हैं, फ्यूल सेल है तो भाई ठीक है, सेल समझ गए, फ्यूल को समझते हैं। इसका सबसे प्रेफर्ड फ्यूल जो है वो है सीधा क्लीन हाइड्रोजन। क्लीन हाइड्रोजन का बस इतना मतलब है कि हाइड्रोजन में कोई इम्प्योरिटी नहीं होना चाहिए, मतलब हाइड्रोजन ही दो इसको, कुछ इधर उधर मत दो। तो क्लीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके ये काम करता है और ये सबसे कॉमन है। अगर आप आज फ्यूल सेल खरीदना जाएंगे तो आपको यही मिलेगा जनरली। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे हाइड्रोजन पे इकोनॉमी नहीं सही से चल पाती है। मैं यहाँ डालूंगा वीडियो अगर मेरा उसका हिंदी में है तो हाइड्रोजन वाले में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि हाइड्रोजन डेंस नहीं है, हाइड्रोजन को आप ज़्यादा पैक नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप 1 लीटर हाइड्रोजन लीजिएगा, ठीक है, 1 लीटर के बोतल में आप हाइड्रोजन लीजिएगा और 1 लीटर बोतल में आप किरोसिन लीजिएगा, किरोसिन 11 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। और वो 1 लीटर हाइड्रोजन या तो वो क्रायोजेनिक होगा यानी -256 डिग्री सेल्सियस पे होगा, या उसको 700 PSI पर, मतलब या तो बहुत हाई प्रेशर इस्तेमाल कीजिए या उसको क्रायोजेनिकली ठंडा रखिए। तो किरोसिन तो सीधे रूम टेम्परेचर में काम कर रहा है, प्लस आप समझ लीजिए कि वो बहुत हाई डेंसिटी देता है, इसीलिए डेंसिटी के चलते हाइड्रोजन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है रियल लाइफ में। मतलब रॉकेट में भी इस्तेमाल करने के लिए उसको लिक्विड में बदलना पड़ता है। तो मीथेन जो है कि हाइड्रोजन से ही मेन मीथेन में काम आता है, लेकिन आप देख सकते हैं कार्बन का एक मॉलिक्यूल जो है वो आपका मीथेन को मतलब हाइड्रोजन को बांध के रखा है। तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन को बांध के रख लेता है, तो इस कारण से हाइड्रोकार्बन बनता है। और हाइड्रोकार्बन का खासियत है, बस ये समझिए कि सबसे ऊपर में सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन, मीथेन से आप सबसे नीचे ये कोल आ जाता है। तो आप ऐसे समझिए जैसे जैसे आपका कार्बन बढ़ता जाएगा आप नीचे आते जाएंगे। तो पहले तो गैस है, मीथेन एक गैस होती है रूम टेम्परेचर पे, फिर आप उसमें नीचे आइए तो आप ये आने लगेगा ब्यूटेन, प्रोपेन जो आपके LPG में रहता है, LPG, CNG ये सब में रहता है। फिर थोड़ा और कार्बन बढ़ाते जाइए, एथेनॉल में आप आ जाइएगा जिसमें 3 से 4 कार्बन होता है।
तो अब आप लिक्विड स्टेट में आ गए, रूम टेम्परेचर में आप लिक्विड स्टेट, डेंसिटी बहुत बढ़ गई है। अब और उसमें कार्बन डालते जाइए, डालते जाइए, पेट्रोल आ जाइए, और डालते जाइए, डीजल आ जाइएगा, और डालिएगा तो आप कोल की तरफ जाने लगिएगा। तो इसीलिए समझिए कि हम लोग को डेंसिटी अगर चाहिए तो कार्बन मेंटेन करता है डेंसिटी को। हाइड्रोजन से ही आपका काम हो रहा है लेकिन आप कार्बन से उसको मेंटेन कर रहे हैं कि भैया मतलब 100-150 लीटर का टंकी आपको बाइक के लिए नहीं चाहिए, 1 लीटर में काम हो जाए, इसलिए अगर आप हाइड्रोकार्बन इस्तेमाल करेंगे। तो मीथेन है, नेचुरल गैस है जो कि मीथेन ही होता है, लगभग 70% मीथेन ही होता है और उसके बाद इधर उधर का मिक्सचर रहता है। तो इसको ऐसा मत समझ लीजिए कि इसमें आप छेद कीजिएगा और आपको सीधे मीथेन मिलेगा, आपको मीथेन के साथ बहुत चीज़ और मिलेगा। फिर एथेनॉल पे चलाना जो कि लिक्विड फ्यूल है, जिसको आप क्या बोलते हैं एलजी से बना सकते हैं, शुगर से बना सकते हैं, कौन से बना सकते हैं, आप मेरा वीडियो यहाँ देख सकते हैं उसके बारे में। तो सब मिला के इसका इस्तेमाल करना काफ़ी सही आइडिया है कि अगर हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोकार्बन, मीथेन भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस सब का ये मैजिक होता है जिसे हम लोग कहते हैं सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल। तो आप फ्यूल सेल के बारे में सर्च कीजिए तो आपको कई जगह मिलेगा, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, तो ये सब इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजन के लिए। अगर आप हाइड्रोकार्बन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट होता है सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल बहुत हाई टेम्परेचर पे चलता है, मतलब मैं 100 डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, पानी नहीं उबालेगा ये 400 से मतलब 500 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होगा और करीब 1000 डिग्री सेल्सियस तक चलता है। कुछ कुछ लोग उसको और हाई टेम्परेचर ले जाएं, जो सबसे सक्सेसफुली नीचे भी आया वो सिर्फ 350 डिग्री सेल्सियस है। तो गर्मी के मामले में समझ लीजिए उतना ही गर्मी रखता है जितना एक इंजन रखता है, मतलब इंजन भी गर्म होता था, बोले इंजन तो उतना 300 डिग्री नहीं गर्म होता, इसलिए नहीं होता है, रेडिएटर चलता रहता है, रेडिएटर बंद कीजिए देखिए कितना तेज़ी से गर्म होगा। और इसकी इफ़िशेंसी अच्छी खासी होती है, ये 60% से 80% तक इफ़िशेंट किया जा सकता है, और मतलब 60 का तो आपको मिल जाता है आराम से, मतलब हाँ भाई खरीद लो ये 60% इफ़िशेंट है। तो तिगड़म इसका ये है कि इसमें भी हाइड्रोजन का ही इस्तेमाल हो रहा है, बस हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन निकाला जा रहा है। तो ये निकालने का काम ये फ्यूल सेल खुद करता है, या कहीं कहीं पे उसको प्री प्रोसेस किया जाता है जिसको आप रिफॉर्मिंग करते हैं, जिससे हाइड्रोकार्बन से आप बहुत हाई टेम्परेचर स्टीम डाल के या मतलब तिगड़म लगा के आप उससे हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल सकते हैं। तो US आर्मी जो है ये भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रही है, आप मेरा नीचे लिंक जो है उसमें जाइए देखिए, सारे वीडियो देखिए, आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा। तो इसके फ़ायदे के बारे में बात करते हैं, तो अगर ये पेट्रोल पे ही चलेगा या डीज़ल पे चलेगा तो सीधे सीधे पेट्रोल डीजल का गाड़ी क्यों ना इस्तेमाल करें। सबसे पहला ये होता है कि पेट्रोल डीजल में आप देखें हो कितने सारे पार्ट होते हैं, मतलब एक पिस्टन है जो अप डाउन हो रहा है, एक बेयरिंग है जो उसको संभाल रहा है, फिर एक और बेयरिंग है उसको संभाल रहा है, मतलब बेयरिंग ही अगर गिनिएगा तो आपके गाड़ी में कम से कम 50-60 बेयरिंग निकल जाएगा। और फिर कितना मूविंग पार्ट्स है उसके बारे, मतलब कितना चीज़ हिल डोल रहा है उसके बारे में तो सोचना ही नहीं, 400 से 500 चीज़ हिलता डोलता रहता है, तो उससे बहुत आवाज़ बनता है, आवाज़ का मतलब है कि आपका एनर्जी वेस्ट हो जा रहा है, इसमें वैसा नहीं होता। हाँ ऐसा नहीं कि एकदम 100% कुछ नहीं मूव करता, क्योंकि जनरली डेंसिटी बढ़ाने के लिए कि मतलब कितना फ्यूल सेल को रख सकते हैं आप छोटे जगह पे, कितना एनर्जी निकाल सकते हैं, जनरली एयर को कंप्रेस करके डाला जाता है, ये समझिए टर्बो चार्जर जैसा ही है। तो ऐसा नहीं है एक कुछ आवाज़ नहीं होता, लेकिन अगर आप एक डीजल जनरेटर रखिएगा अपने बगल में और एक फ्यूल सेल जनरेटर रखिएगा, आप बता नहीं पाइएगा फ्यूल सेल जनरेटर चालू है कि नहीं, पहला। दूसरा, हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल करके वो झमेला नहीं है हमारे पास कि भैया हाइड्रोजन का पूरा इकोनॉमी बनाओ, जो कि बनाया नहीं जा सकता। तो और अगर आप गाड़ी बनाना चाहते हैं, जैसे निसान ने एक गाड़ी बनाया था, और अगर आप गाड़ी से कंपेयर करते हैं आप सीधे समझिए आपका माइलेज डबल हो जाएगा सीधे, मतलब कुछ सोचना ही नहीं, आप जो तेल डाल रहे थे वही तेल डालिए, बस आपका माइलेज डबल हो जाएगा। तो आप बताइए कौन नहीं खरीदना चाहेगा, प्लस उसमें आवाज़ कम होगा क्योंकि मतलब कोई मूविंग पार्ट बहुत कम है। दूसरा ये समझिए, अगर आप सेम डिस्टेंस चल रहे हैं, मतलब आपकी दूरी चेंज नहीं हो रही, तो पर किलोमीटर आप कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज़ कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, तो वो तो फ़ायदेमंद ही है। और अगर इसको को जनरेशन के साथ इस्तेमाल किया जाए, जहाँ पे मतलब गर्मी और जो इलेक्ट्रिसिटी निकल रहा है दोनों का इस्तेमाल करें, वहाँ पे आपको ग्रैंड टोटल 80% से ज़्यादा इफ़िशेंसी मिल सकती है, मतलब जो केमिकल एनर्जी था, आप 100% नहीं पहुंच सकते क्योंकि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बैठा हुआ है, भैया 100% नहीं आएगा, 99.99999999 जाते रह सकते हैं लेकिन कभी 100 नहीं होने देगा। तो 80-85% इफिशेंसी बहुत अच्छा होता है, मतलब जनरली कोई और चीज़ उतना अच्छा नहीं होता। तो कोजनरेशन का सीधा मतलब ये हो गया कि जो उससे गर्मी निकल रहा है उसका भी किसी चीज़ में इस्तेमाल किया जाए। कोजनरेशन वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है कि जैसे आपको पता है वेस्टर्न वर्ल्ड काफ़ी ठंडे जगह पे है, तो वहाँ पे उनको घर गर्म करने के लिए कोई ऐसा किया जाता है कि जनरेटर से बिजली निकाला जाए, जो आप बिजली से जो करना कर रहे हैं, लेकिन जो उसका एग्जॉस्ट है उससे आप घर को गर्म कर रहे हैं, मतलब एग्जॉस्ट सीधे रूम में नहीं डाल, उससे मतलब आप समझिए उसमें रेडिएटर है, जो उस रेडिएटर का मतलब
एग्जॉस्ट रेडिएटर को गर्म किया, रेडिएटर में जो पानी घूम रहा था वो घर को गर्म करेगा। ऐसा नहीं कि कुछ सीधे एग्जॉस्ट को डाल देता है घर में, तो थोड़ा तिगड़म लगाया जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट हीटिंग की जा सकती है, मतलब एक पूरा मोहल्ला को जनरेटर से गर्म किया जा सकता है, या शहर के लिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हीटिंग जहाँ पे होते कि मतलब सब लोग के पास एक गर्म पानी का सिस्टम है जो आ रहा है, तो को जनरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप बोलोगे यार को जनरेशन तो हमारे लिए तो कोई काम का नहीं रहा, क्योंकि हम लोग तो गर्म जगह पर रहते हैं, 50-60 डिग्री तो अपने लिए नॉर्मल बात हो गई है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये गर्मी काफ़ी हाई टेम्परेचर पे देता है, उसे हम लोग एक चीज़ में डाल सकते हैं जिसे कहा जाता है एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन। बेसिकली कंप्रेसर की जगह आप गर्मी से ही काम चला रहे हैं, तो आप बस गर्मी डालिए और आपका रेफ्रिजरेशन हो जाएगा। आप इस पर खुद पर रिसर्च कर लीजिए, आपको काफ़ी मतलब फैंसी जानकारी मिलेगी कि मतलब LPG से चलने वाला भी रेफ्रिजरेटर मिलता है, और RV में मतलब जो रिक्रिएशनल व्हीकल इस्तेमाल करते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है ऐसा चीज़, और कोल पावर प्लांट में भी इस्तेमाल होता है। तो अगर आपके पास गर्मी निकल रहा है उसको आप उससे आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्मी है तो गर्म कर सकते हैं, आप उससे बर्फ़ भी बना सकते हैं। तो अगर को जनरेशन का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। सेम ही ईंधन, मतलब समझिए आप ज़्यादा ईंधन नहीं खरीद रहे हैं, आप फैंसी ईंधन नहीं खरीद रहे, वही ईंधन खरीद रहे हैं जो आपके पास पहले से ही आ रहा है, इसीलिए मैं हाइड्रोकार्बन पर फोकस कर रहा हूँ, हाइड्रोजन पर नहीं। तो इसका कुछ नुकसान है, कोई कौन है? सबसे पहला कि इसका आज तक कोई लार्ज स्केल मास प्रोडक्शन नहीं हुआ, जैसे एक गाड़ी का कई लाख करोड़ पीस बनाए जाते हैं, ये आज तक वैसा नहीं हुआ कि अभी तक। और ये ऐसी बात भी नहीं है कि मैं नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ तो कैसे हो जाएगा, ये समझिए 2010 में इस बंदे ने, ये इंडियन बंदे हैं, ये नासा में पहले काम करते थे और नासा भी फ्यूल सेल बनाता ही है, तो फ्यूल सेल नासा जो बना रहा था वो इसलिए था कि ऑक्सीजन निकाले, ये उल्टा कर दिया, ऑक्सीजन डाल के इलेक्ट्रिसिटी निकालने लगे। मतलब ऐसा ही होता है केमिस्ट्री में, कई बार आपको रिएक्शन तो देखते ही दोनों तरफ आ जा सकता है। तो ये फ्यूल सेल 2010 में बनाए, उतारे, मार्केट में, लेकिन उसके बाद कहाँ गायब हो गए पता नहीं। और नहीं, आप ऐसा मत बोलिए इनको कोई मार उर नहीं दिया गया है, ये बस गायब हो गए हैं, प्रोडक्ट पता नहीं सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, क्योंकि ये $10,000 पर किलोवाट का इनका दाम आ रहा था। फिर एक और कंपनी आई रिडॉक्स करके, जो इसे कुछ साल बाद आई, मतलब 2 साल बाद आ गई, और वो कह रही थी कि मतलब इनका दाम $400 पर किलोवाट होगा। तो आपको शायद सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, ये बात सही है, आप मेरा सोलर का वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये कितना ज़्यादा है। तो वो भी आया और गायब हो गया, उसकी तो वेबसाइट भी अब नहीं चल रही है। तो ऐसा बहुत साल से सुनते आ रहे हैं, और ये साइंस में है, टेस्टेड है, और पेट्रोल कंपनी को इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मतलब पेट्रोल ही आप इंजन में इस्तेमाल करोगे। तो कभी ये आया नहीं मास प्रोडक्शन में, और इसके चलते इसका कोई भी अगर दाम आप देखें तो सही नहीं मैच करता है। मतलब एक जनरेटर आप खरीद रहे हो, 5-10 किलोवाट का जनरेटर खरीद रहे हो, तो 10 लाख के अंदर ही चाहोगे ना, आप थोड़े चाहोगे कि 5 लाख का या 5 करोड़ का आपका जनरेटर आ रहा है, बोलोगे छोड़ दो भाई, तेल का ही खर्चा हम निकालते रहेंगे ज़िंदगी भर उसी से। तो इसीलिए दाम ना घटने से कभी नहीं। और ये हमेशा, मैं जितना भी इसके बारे में वीडियो देखा हूँ जो आप लिंक पे देख सकते हैं, हमेशा ऑलवेज फ्यू ईयर्स अवे, ये मतलब फ्यूजन जैसा तिगड़म हो गया कि हाँ 30 साल बाद यहाँ पे, हर साल, अरे अगले साल, मतलब हम बस वही सुनते आ रहे हैं। तो यही इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि मतलब साइंस है, मतलब ये कोई मैजिक नहीं है, आप घर में भी बना सकते हैं, आपका एफिशिएंसी अच्छा नहीं रहेगा लेकिन आप बना सकते हैं। तो लेकिन कभी ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन जब तक नहीं पकड़ेगा तब तक इसका कोई मतलब नहीं, बस लैब में ही रह जाएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन हाइड्रोकार्बन फ्यूल सेल के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं कहूँगा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें पावर के बारे में इंटरेस्ट है, और आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फ्री हैं तो, घंटी बजा दीजिए और कमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे। आपने मेरा वीडियो देखा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।